और 5 रैलियां आज होनी है, 5 जनसभाएं आज होनी है और फिर कल भी 6 जनसभाएं होनी है जिनको संबोधित करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। लेकिन इस वक्त जनसभा को संबोधित कर रहे हैं और वहां पहुंचने के बाद तमाम कार्यक्रम सीएम योगी के, राजस्थान के मकराना में इस वक्त वो जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। अलग अलग हिस्सों में सीएम योगी की जनसभाएं होनी है जिसको लेकर खासा उत्साह है वहां पर कार्यकर्ताओं में और लोगों में भी। राजस्थान के मकराना में सीएम योगी और चुनावी जनसभा आज जो उनकी होनी है वो 5-6 राजस्थान के अलग अलग हिस्सों में सीएम योगी जनसभा को संबोधित करेंगे, बीजेपी के पक्ष में वोट करने की अपील करेंगे और इस जनसभा में भारी भीड़ जुटने की भी आशंका, कहा जा रहा था कि भारी भीड़ यहां पर पहुंचेगी। मकराना में अभी सीएम है और उसके बाद अलग अलग हिस्सों में सीएम योगी की जनसभाएं होनी है। आज भी तमाम जगहों पर सीएम योगी जाएंगे, जनसभाएं करेंगे, जनता के साथ रूबरू होंगे और फिर कल वो 6 रैलियों को संबोधित करेंगे। 6 रैलियां उनकी होनी है, जनसभाएं वहां पर करेंगे और उसी को संबोधित करते हुए सीएम योगी नजर आएंगे। आज की जो तस्वीर है वो हम आपको दिखा रहे हैं, राजस्थान के रण में सीएम योगी। इससे पहले आपने देखा था छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन सकती है तो राजस्थान में दूसरी बार क्यों नहीं बन सकती, लगातार दूसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार क्यों नहीं बन सकती। मित्रों, लोकतंत्र का मतलब क्या? लोकतंत्र का मतलब किसी वंश की विरासत नहीं माना जा सकता लोकतंत्र, और लोकतंत्र कोई माफिया राज भी नहीं होता है। लोकतंत्र गुंडा राज नहीं हो सकता। लोकतंत्र में आतंकवाद के लिए, नक्सलवाद के लिए, अलगाववाद के लिए कोई जगह नहीं हो सकती। और मैं यही पूछना चाहता हूं अपने कांग्रेस के मित्रों से, अपनी हार से बौखलाहट करके उन्होंने जिस प्रकार के अनर्गल प्रलाप करने प्रारंभ किए हैं, मैं राजस्थान की धरती से इस बारे में अपील करूंगा कि जो कांग्रेस के नेता आज इस देश के अंदर इस देश के वीर जवानों के शहादत का अपमान कर रहे हैं और आतंकवादियों को, नक्सलवादियों को महिमामंडित कर रहे हैं, उस कांग्रेस को जवाब देने का यह अच्छा अवसर आया है। लोकतंत्र में इससे अच्छा अवसर दूसरा नहीं मिलता। जब चुनाव आते हैं तब चुनाव के समय उसका बदला चुकाइए। हम लोग भूल जाते हैं, सर्वे अटल बिहारी वाजपेयी जी एक बात कहते थे और वो बात कहते थे कि अक्सर क्या होता है, हम इन कांग्रेसी नेताओं को साल भर गाली देते हैं, 5 साल गाली देते हैं और चुनाव आते हैं तो उस समय हम इनको ऐसे ही जैसे हिंदू अपनी परंपरा में नागपंचमी के दिन नाग को भी दूध पिलाने लगता है, ऐसे ही कांग्रेसियों को 5 वर्षों में देश के खिलाफ, भारत की परंपरा के खिलाफ इनके द्वारा किए गए गलत कार्यों के लिए कोसते हैं। लेकिन चुनाव के दिन जाति, मत, मजहब, संप्रदाय या अन्य वादों के आधार पर इनके पीछे पीछे हम लोग भी इनके झूठे नारे और वायदों में चले जाते हैं। और इसलिए मैं आप सबसे अपील करने के लिए आया हूं, अगर मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की जनता संकल्पित हो सकती है कि कांग्रेस द्वारा सत्ता में कभी नहीं आ सकती, वैसे ही मध्य प्रदेश को भी कहना होगा, राजस्थान को भी करना होगा, क्योंकि राजस्थान से ज्यादा त्याग और बलिदान किसने झेला है, इससे ज्यादा इस देश के लिए रक्त किसने बहाया है। आज भी इस देश की सेना में जब शहादत की बात आती है, शौर्य और पराक्रम की बात आती है, राजस्थान अग्रणी पंक्ति में खड़ा होता हुआ दिखाई देता है। लेकिन मित्रों, देश के इन जवानों की शहादत का अपमान किया है कांग्रेस ने। कांग्रेस अपने राजनीतिक स्वार्थों के लिए इस देश के अंदर आतंकवाद को पनपाता है। कांग्रेस अपने राजनीतिक स्वार्थों के लिए इस देश के अंदर नक्सलवाद को प्रश्रय देता है।
कांग्रेस का एक नेता बड़ी बेशर्मी के साथ छत्तीसगढ़ में कह रहा था कि नक्सलवादी तो क्रांतिकारी हैं, कौन इनको समझाए। ये तो स्वाभाविक रूप से कांग्रेस के नेता वही कहेंगे, क्योंकि न खाता न बही, जो राहुल कहे वही। राहुल गांधी का मतलब हर व्यक्ति जानता है। मित्रों, राहुल गांधी कांग्रेस के नेता भी आज इस बात को कहते हैं कि राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस कोई चुनाव न जीती है न जीत सकती है। वहां न कोई नेता है, वहां न कोई नीति है, वहां न कोई नेक नियति है, तो फिर लोकतंत्र में न नेता हो न नीति हो न नेक नियति हो तो फिर इनका कार्य ही क्या है। राजस्थान के संदर्भ में मैं आपसे कहना चाहता हूं, राजस्थान विकास की जिन नई ऊंचाइयों को विगत 5 वर्षों के दौरान श्रीमती वसुंधरा राजे जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने राजस्थान को पहुंचाने का कार्य किया। राजस्थान में विपरीत परिस्थितियां थी, लेकिन उन विपरीत परिस्थितियों में कांग्रेस ने विरासत में 5 वर्ष पहले कैसा राजस्थान दिया था, तब भी मुझे आने का अवसर मिला था। न सड़क थी, न बिजली की प्रॉपर व्यवस्था थी, किसान आंदोलन कर रहा था, नौजवान पलायन कर रहा था, और फिर से यहां पर अपराधिक और डकैतों के गिरोह फिर से दस्तक देते हुए दिखाई दे रहे थे। 5 वर्ष के इस कार्यकाल के दौरान, 5 वर्ष का कार्यकाल बहुत बड़ा कार्यकाल नहीं होता, लेकिन इन 5 वर्षों में व्यक्ति अगर चाहे तो ये बता सकता कि हमारी दिशा क्या है, हमारी सोच क्या है, हम कहां ले जाना चाहते हैं, विकास की हमारी सोच कहां लेकर के जाएगी, और वो करके दिखाया है। मध्य प्रदेश के इस मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, राजस्थान में आज जिस तरीके से युवाओं को 3.5 लाख से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी दी गई, रोजगार के ढेर सारे अवसर उपलब्ध कराए गए, किसानों को शासन की योजनाओं का लाभ और एमएसपी देने के साथ साथ बोनस की सुविधा देने का कार्य, यहां पर स्कूली शिक्षा और स्वास्थ्य की बेहतर व्यवस्था उपलब्ध कराने का कार्य, और राजस्थान को राजस्थान के अनुरूप सम्मान दिलाने का कार्य, यहां पर पर्यटन की सुविधाओं को आगे बढ़ाने का कार्य वसुंधरा जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जिस दृढ़ता के साथ किया, आज उस दृढ़ता की आवश्यकता है, और उसको आगे बढ़ाएंगे तो राजस्थान की भी प्रति व्यक्ति आय उसी तर्ज पर आज आगे बढ़ेगी जैसे गुजरात और मध्य प्रदेश में आगे बढ़ी है, उसी तर्ज पर कई गुना आगे बढ़ेगी। मित्रों, देश पर संकट आता है, किसी राज्य में संकट आता है तो कांग्रेस का कोई नेता नहीं आता होगा, राहुल गांधी भी नजर नहीं आते होंगे, तब भारतीय जनता पार्टी या आरएसएस का ही स्वयंसेवक वहां जाकर के सेवा के कार्यों में दिखाई देता होगा, तब कांग्रेस नजर नहीं आती। कहीं भूकंप आता है, कहीं बाढ़ आती है, कहीं चक्रवात आता है, कहीं कोई ऐसी आपदा आ गई तो राहुल गांधी को उस समय इस देश का पीड़ित नागरिक नहीं दिखाई देता, तब उसे नानी याद आती है, इटली भाग जाता है, तो वह आपके बीच में नहीं रहते हैं। लेकिन चुनाव आएंगे, चुनाव आते समय आपके बीच में आकर के जनेऊ दिखाने का कार्य करेंगे, आकर के मंदिर मंदिर जाकर के ये दिखाने का प्रयास करेंगे कि मैं भी हिंदू हूं। मित्रों, इस प्रकार के पाखंड से हिंदू होने का ढोंग नहीं किया जा सकता, हमने भेद किया भी नहीं, ये हमारी वैचारिक विजय है।
जिस राहुल गांधी के पर नाना कहा करते थे कि मैं एक्सीडेंटली हिंदू हूं, अगर राहुल गांधी आज जनेऊ दिखा करके दिखाने का प्रयास कर रहा है कि मैं सनातनी हिंदू हूं, तो मुझे लगता है हमारी वैचारिक विजय है। एक अच्छा कार्य होना चाहिए और यही तो प्रधानमंत्री जी कहते हैं। इस देश के अंदर, राजस्थान के अंदर सर्वाधिक समय तक किसी ने शासन किया है तो पार्टी है कांग्रेस। सर्वाधिक समय तक जिसने शासन किया है उस पार्टी का नाम है कांग्रेस। लेकिन बदले में कांग्रेस ने दिया क्या? अगर कांग्रेस ने वास्तव में विकास और सुशासन की नींव को मजबूत किया होता तो आज हर गरीब के पास अपने सिर को ढकने के लिए छत होती, एक एक मकान हर गरीब के पास होता। स्वच्छ भारत मिशन में प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2014 में स्वच्छ भारत मिशन की घोषणा की और स्वच्छ भारत मिशन में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने हर परिवार को एक एक शौचालय उपलब्ध करवाया, हर गरीब को आवास उपलब्ध कराया, हर गरीब परिवार को एक एक रसोई गैस का कनेक्शन उपलब्ध कराने की व्यवस्था भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। हर गरीब परिवार के घर में विद्युत का कनेक्शन भी उपलब्ध होगा, यह कार्य भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। हर नौजवान को रोजगार देंगे और किसान को न्यूनतम समर्थन मूल्य से अधिक दाम देंगे, ये कार्य किसी ने क्या? भारतीय जनता पार्टी ने किया। हमारे लिए कार्य इस देश की जनता जनार्दन की सेवा है। और अगर हम कहें गांधी जी के शब्दों में कहें तो यह देश के अंदर राम राज्य लाने की उस सपने को साकार करने का एक आधार है जिसमें किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होगा। सबको देंगे सुरक्षा, सबको देंगे सम्मान, शासन की योजनाएं बराबर पहुंचाएंगे सबके पास, लेकिन भेदभाव किसी के साथ नहीं करेंगे। कांग्रेस के लोग तो भेदभाव करते थे। आपने डॉक्टर मनमोहन सिंह जी देश के प्रधानमंत्री थे, उन्होंने तो प्रधानमंत्री रहते हुए इस बात को कह दिया था कि इस देश के संसाधनों पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। अगर मुसलमानों का अधिकार है तो देश का हिंदू कहां जाएगा? लेकिन कांग्रेस हमेशा विभाजन की है, बंटवारे की राजनीति की है और इस विभाजन और बंटवारे की राजनीति का ही दुष्परिणाम है इस देश के अंदर आतंकवाद सिर चढ़ करके बोल रहा था। आज आप देख रहे होंगे जिस आतंकवादियों को कांग्रेस बिरयानी खिलाती थी आज हम उन्हें गोली खिला रहे हैं। आज हमारा सेना का जवान, कांग्रेस कहती थी सेना के जवानों से कि आतंकवादी गोली चलाए तब गोली चलाना, क्या ये संभव हो पाएगा? क्या इंतजार करेंगे कि जब आतंकवादी गोली चलाएगा तब तक हम इंतजार करते रहेंगे? आज ऐसा नहीं, जो भारत का संविधान नहीं मानता, भारत की संप्रभुता को नहीं मानता, भारत की एकता और अखंडता का दुश्मन है, जो भारत के निर्दोष नागरिकों पर गोली चलाता है, जो भारत के निर्दोष हमारे बहादुर जवानों पर कायराना हमला करता है, उसका स्थान इस धरती पर तो नहीं, यमराज के घर ही उसका स्थान होगा। और यही कार्य आज हमारे बहादुर जवान कर रहे हैं, यही कार्य हो रहा है। इसके लिए दृढ़ इच्छा शक्ति चाहिए, एक संकल्प शक्ति के साथ राष्ट्र सेवा का जज्बा होना चाहिए और इस सेवा का, सुरक्षा का, सम्मान का ये जज्बा केवल भारतीय जनता पार्टी दे सकती है। और मित्रों, इसीलिए आज हम सब आए हैं राजस्थान विधानसभा के इस चुनाव में। पूरे देश और दुनिया की निगाहें गिरी है, लगी हैं, वो देखना चाहती हैं, बहुत टकटकी निगाहों से देख रही है राजस्थान की जनता क्या फैसला लेगी। विकास और सुशासन की सुदृढ़ नींव को जिस पर हम राम राज्य की स्थापना का कार्य करेंगे, उस दृष्टि से आज यहां पर एक बार पुनः आप सब से अपील करने के लिए हम लोग आए हैं कि राजस्थान विधानसभा के इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को ही दोबारा सत्ता में
वसुंधरा जी के नेतृत्व में आना चाहिए और इसके लिए अपील करने के लिए मैं देश और दुनिया के अंदर मकराना का जो मार्बल है ना, इसकी अपनी छाप है, अपनी एक पहचान है और इस चमक को फीकी मत पड़ने देना। याद रखना, कांग्रेस जब भी आएगी तो मकराना के मार्बल की चमक को फीकी करेगी, यहां की पहचान को धूमिल करेगी। तो मकराना से सीएम योगी को आप सुन रहे थे, तमाम मसलों पर बात वो कर रहे हैं। राजस्थान के रण में सीएम योगी आदित्यनाथ और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा योगी आदित्यनाथ ने। कई जनसभाएं उनकी वहां पर होनी हैं और मकराना से अभी आप सुन रहे थे नक्सलवादियों को लेकर भी बयान दिया, कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। तो राजस्थान के चुनावी रण में सीएम योगी आपने सुना। आगे बढ़े और बात रायबरेली की हम करें। रायबरेली जिला जेल बना अय्याशी।